ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी फूड ब्लॉगर। सबसे पहले बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि बीच में मेरी वीडियो नहीं डाल पाया। और आज हम आए हैं जैन खस्ता प्रेमपुरी वाले, जो फेमस खस्ता है मुजफ्फरनगर की। अगर आपने जैन खस्ता नहीं खाई आज तक तो मुजफ्फरनगर का आपने फेमस नाश्ता मिस कराया आज तक। और इन्होंने नई ब्रांच खोल ली अपनी मंडी में, इंदू पैलेस के जस्ट सामने। इंदू पैलेस की जगह रिलायंस ट्रेंड्स खुल गया है, उसके जस्ट सामने गली में इनकी दुकान है। तो आइए बात करते हैं इनसे, क्या 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 स्पेशलिटी है इनकी, कितने साल पुरानी दुकान है और क्या क्या ये और चीज़ें बनाते हैं यहाँ पर। आइए चलते हैं। परवीन कुमार जैन भैया, शॉप तो अभी नहीं है, 10-12 दिन ऐसे एक ब्रांच प्रेमपुरी में है, उसे 45-40 साल हो गए। स्पेशलिटी तो है सुबह के टाइम खस्ता चलेगी और शाम को दोपहर में समोसे हैं और मूंग की दाल की पकौड़ी। क्या क्या प्राइस भैया? प्राइस मिले अच्छा, खस्ता 10 रुपये की है, समोसा 5 रुपये का एक है और रसगुल्ला 10 रुपये का है, मूंग की दाल की पकौड़ी 50 रुपये की प्राइस। जलेबी अच्छी भैया, अभी आप हमें खस्ता मिला दीजिए पहले तो, जो आपकी फेमस है, बाकी फिर देखते हैं आप। तो ये आ चुकी है हमारे पास जैन की फेमस खस्ता। थोड़ा क्लोज आके दिखाइए, दिखाते हैं लोगों को क्या क्या है इसमें। इसमें दाल की, मसाले की स्टफिंग है, अंदर काफ़ी क्रिस्पी लग रही है खस्ता, और आलू की सब्जी देते हैं साथ में। आलू की सब्जी इनके पास दो तरह की इनके पास सब्जियाँ हैं, एक मीडियम स्पाइसी एक लो स्पाइसी, और अगर आप चाहें तो तेज स्पाइसी भी कर देते हैं ये। तो चलिए टेस्ट करते हैं, पहले खाकर देखते हैं कैसी है। मैंने अपनी खस्ता मीडियम स्पाइसी बनाई थी, टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है, और आलू की सब्जी का जो मसाला है वो काफ़ी अच्छा है। मिर्च काफ़ी अच्छी है, मसाला बड़ा अच्छा है, जो दाल है वो ओवर कुक नहीं है अंदर की, जैसे यूजुअली खस्ता के अंदर जो दाल भरी जाती है उसमें काफ़ी टेस्टनेस डालते हैं लोग, बट इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इनकी खस्ता का प्राइस 10 रुपये एक खस्ता का है, ये मैंने 2 खस्ता लिया है, सिर्फ 20 रुपये है। तो मुझे 15 के लोगों का फेवरेट नाश्ता है। इनकी मेन दुकान है प्रेमपुरी में, बहुत साल पुरानी दुकान है वो फेमस, बट मंडी के लोगों की शिकायत होती थी कि खस्ता खाने में इतनी दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर दुकान खोली है। टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। हेलो भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल द देसी फूड ब्लॉगर पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चेतन मित्तल है। भैया क्या खा रहे हैं आप इस वक्त? मैं खस्ता खा रहा हूँ जैन वाले की। भैया कितने टाइम से आते हैं आप यहाँ? 10 साल हो गए करीब। 10 साल मतलब पहले इनकी पुरानी शॉप, पुरानी वाली शॉप पे, अभी अपने घर हमारे घर के पास ही आ गए हैं इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। कैसी लगती है भैया आपको यहाँ की खस्ता? अब ये देख लीजिए, 10 साल से खा रहा हूँ तो कुछ तो बात हो गई, टेस्ट ऐसा है कि शायद मैंने तो कभी कहीं खाई नहीं आज तक। तो भैया आप डेली आते हैं या वैसे कभी कभी? नहीं मतलब मैं जो है एक दो दिन छोड़ करके आता हूँ, बट क्या है कि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आता हूँ, चाहे एक ही खा के जाता हूँ। 25 साल मेरे वो हो गए सर खाने। अच्छा, 25 साल सेम टेस्ट सेम स्वाद। पहले आप दूसरी दुकान? हाँ, प्रेमपुरी रहता हूँ, जॉब यहाँ करता हूँ न्यू मंडी से, ठीक है ना, न्यू मंडी जॉब करता हूँ। अभी भैया आ गए यहाँ पे, सेम स्वाद शायद ऑल यूपी में तो ऐसे मिलेंगे। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। हेलो भैया, स्वागत है आपका, मैं चला था देसी फूड ब्लॉगर पर। क्या नाम है भैया आपका? शहजान। भैया आप क्या खा रहे हैं आप सर? सर मैं खस्ता खा रहा हूँ जैन साहब। तो कैसी लगती है भैया आपको यहाँ की खस्ता? सर हमारे मंडी में मुझे अपने सबसे मशहूर खस्ता है इनकी, जो इन्हें एक बार खा लेता है वो दोबारा आता है यहीं पर। कितने टाइम से खा रहे हैं भैया आपके यहाँ की खस्ता? सर शॉप तो इनकी अभी यहीं पर खुली है, पहले कहीं और पर थी, तो हम जब से खुली है जब से रोज़ खाते हैं यहाँ पे, कभी 2 कभी 5 दिन में 6-7 हो जाती है। अच्छा, शौकीन हो पूरे शौकीन है जी। आपको कैसी लगती है भैया यहाँ की खस्ता? हम तो पहली बार खा रहे हैं मगर अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगती है भैया? बहुत अच्छी लगती है, हम भी पहली बार खा रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है।